इंदौर में भाजपा कार्यालय से रेसिडेंसी कोठी तक बिना अनुमति रैली निकालने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया और नगर अध्यक्ष गोपी नेमा सहित 350 लोगों पर संयोगितागंज पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस रैली के बाद जब अफसर बीजेपी नेताओं से नहीं मिले तब कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि संघ के नेता हैं, नहीं तो आग लगा देते इंदौर में। इसके बाद इस मसले पर जमकर विवाद हुआ। इंदौर में अफसरों की मनमानी और उनके बीजेपी प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी के बंगले पर धरना दिया था। इसके बाद प्रशासनिक अफसरों से रिपोर्ट मिलने के बाद संयोगितागंज पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन पाए जाने पर विजयवर्गीय, सांसद लालवानी के साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी नेमा, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। अफसरों के अनुसार 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने बंगले के बाहर 15 मिनट तक धरना दिया था। विजयवर्गीय सहित 350 कार्यकर्ताओं पर चार धाराएं 143, 149, 153 और 506 लगा दी गई। इसमें अवैधानिक तरीके से इकट्ठा होना और जान से मारने की धमकी देना शामिल है। पहले आप भी सुनिए कि उस दिन बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था, जिसमें प्रशासन उनसे खफा है। होता है कि नहीं होता है, ये चिट्ठी लिखी उनको कि हम मिलना चाहते हैं। अब यू भी सूचना नहीं दोगे कि हम बाहर शहर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हूँ इंदौर। इसके बाद इस मसले पर राजनीति शुरू हो गई। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेसियों ने संभाग आयुक्त से शिकायत की है कि विजयवर्गीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काकर अशांति फैलाना चाह रहे हैं। भाजपा महासचिव अशांति फैलाकर माफिया विरोधी मुहिम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर में माचिस बांटते रहे। माचिस की डिबिया पर कैलाश विजयवर्गीय के फोटो छाप कर लिखा गया, शहर में आग लगाने के काम आती है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और विचारधारा ही फासिस्टवादी और हिंसात्मक है। उनको ट्रेनिंग भी इस बार की दी गई जाती है बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं में कि इस तरह की भाषा बोलें, इस तरह के कृत्य करें। और उन्होंने अपनी संस्कृति के अनुरूप इस भाषा का जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मातृभूमि में आदमी रहता है, उसकी पूजा करता है, लेकिन वो उसी को जलाने के लिए करते हैं। तो ये उनकी मानसिकता पर हमें तो तरस आता है कि अपनी माँ पर ही हमला करने का बात जब करता है वो इस देश के लिए, इस समाज के लिए और अपने नगर के लिए, ये अशोभनीय नहीं है, चिंतनीय है और उनकी जितनी निंदा की जा सके उतनी उचित है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।